मैं हूँ वैभव जैन मस्ताना, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ 24। आवाज़ न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में सिलवानी नगर में जोरदार तूफान के साथ मानसून की एंट्री हुई, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आप चारों ओर तबाही का आलम देख सकते हैं। इस समय मौजूद हैं सरकारी हॉस्पिटल के अंदर में। जी हाँ, सिलवानी के सरकारी हॉस्पिटल में इतना तेज तूफान आया कि यहाँ के सब छप्पड़, कर्मचारियों के घर और यहाँ पर लगे लगे बड़े वृक्ष भी जड़ों से उखड़ गए हैं। इतनी तेज आंधी और तूफान पहले कभी नहीं देखा गया है। आपको बता दें कि ये सिलवानी की हॉस्पिटल काफ़ी पुरानी हो चुकी है और यहाँ पर सब काम ऐसे ही पुराने ज़माने का चल रहा है। कर्मचारियों को क्वार्टर जो मिले हैं वो भी काफ़ी पुराने ज़माने के हैं, वो भी अपनी बड़ी मुश्किल से इसमें गुजर बसर करते हैं। आपको बता दें कि सिलवानी में सिविल हॉस्पिटल बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनको स्वास्थ्य विभाग द्वारा हैंडओवर नहीं किया गया है। अब यहाँ के नागरिकों को और मरीजों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द सिविल अस्पताल वहाँ पर हैंडओवर किया जाए, उसका उद्घाटन किया जाए और यहाँ जनता के लिए चालू किया जाए, जिससे कि मरीजों को और आम जनता को राहत की सांस मिल सके। इतना तेज़ तूफान, इतना तेज आंधी के कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा दिखाइए, अपने घर का छप्पर दिखाइए। ये देखिएगा, सरकारी क्वार्टर जो था, छप्पर था, हवा के कारण उड़ चुका है। आपको बता दें, जहाँ से दवा का वितरण भी होता था, वो दवा भी वहाँ से उसका छप्पर भी उड़ चुका है और कई कमरों, कई हालों का हाल ये हो चुका है कि छत छप्पर सब हवा के कारण उड़ चुका है। अस्पताल परिसर में लगे हुए बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े पेड़ भी जड़ से उखड़कर धराशायी हो गए। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा दिखाइएगा इस वृक्ष को जो जड़ से निकलकर उखड़ गया है। आप देख सकते हैं, जैसे कि ये देखिए, इतना तेज आंधी, इतना तेज तूफान और बारिश के कारण काफ़ी नुकसान अस्पताल के अंदर हुआ है। अब मरीजों को, कर्मचारियों को बहुत दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। सब काम अव्यवस्थित हो चुका है। सिलवानी से वैभव जैन मस्ताना।